कि तुम जल्दी आ जाओ। क्या हो गया? पेट में दर्द हो रहा है। और हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी नहीं चल रहा है। तमीज से बात कर, डॉक्टर साहब। ओए कितना डाउन चले गए हो? 103 बुखार है भाई साहब, इसके चक्कर आ रहे हैं। अरे पेशेंट रूम यो हड़ लोट। अभिषेक का दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। चिंता मत मानना है, मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है। टेंशन भी नहीं ले ले यार, खराब तो नहीं होगी है। रे फिर भी ता नचाने आड़ा, मैं चोरा री आड़ा। हेलो गाइस, राम राम भाई सारा ने, कैसे हो आप सब? तो राखी वाली वीडियो देखी भाई, बहुत प्यार मिल रहा है आपका, आपके बहुत जबरदस्त जबरदस्त कमेंट्स आ रहे हैं गाइस। और देखो मेरे साथ आज कौन है, कनिकर राणा है। और हेलो गाइस, अनुराग के भाई से कमेंट आओगे कि अनुराग बढ़िया बढ़िया पॉइंट मारा इसे, एक नंबर के। तो गाइस ये वही वाली शर्ट है जो मेरे को राखी पे गिफ्ट मिली थी भाई, और मैंने आज पहनी है। साहब बैठे साइड में, चलाओ साहब, बताओ अपने आप ने कौन ही मार के तार। तो गाइस आज बहुत ही जबरदस्त चीज होने वाली है, घर पे एक नया मेहमान आ रहा है गाइस। मारा बाड़क नहाता भाई ने मंत खत्म और से पूछे कमेंट आ भाई, जिसमें मारा बाड़क खेल लगा वो आ रहा है गाइस। तो हमने फाइनली अपने सोफे का जो ऑर्डर दिया था, तो भाई का आज फोन आ गया है कि भाई आपके सोफे आ गए हैं गाइस। और इतनी जबरदस्त यह फीलिंग दी है भाई, जाते मतलब किस टाइप के बने होंगे, और मतलब जो हम सोचते गए थे, जो उनको बताया था वैसे होंगे नहीं होंगे, अभी आपको जाके वही दिखाऊंगा। जो वाले बात है कि मैं पुलिस वाले पकड़ लेंगे ना, मेरे तो नहीं होंगे, बहुत बड़ा आदमी है वो, नहीं पूछेंगे कौन है भाई, नाम तो ना बेरा पर रोहित चिकारन ड्राइवर रा करे। साले वाक्य में साले हैं ये, वाक्य में। उनका फोन तो राखी वाले दिन ही आ गया था भाई, लेकिन राखी पे हम लोग बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। राखी में तुम भी बिजी हो गए भाई, मैं पाँच दिखाऊंगा मैं इब क्यों दिखाया कि नहीं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं रोहिणी में, मैंने किम्मी को ले लिया है घर से, पिक कर लिया, और अभी हम लोग साथ में जा रहे हैं गाइस। तो आपको वहीं पे जाके दिखाऊंगा कि सोफे कैसे बने हैं, क्या डिज़ाइन सेलेक्ट किया है हमने, ठीक है? तो कहीं से वीडियो स्किप मत करना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त आपको और भी आइटम दिखाऊंगा वहाँ पे कैसे कैसे हैं। तो भाई ने पर्सनली मेरे को आज बुलाया भी था कि आप आ जाना, यहीं की लोकेशन दे दे, यहीं पे होगी दुकान। वैसे तो भाई वो घर पे भेज देते, लेकिन अंदर तो एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी कि यार हम जाके देखेंगे खाना। वो नहीं होता कि नई चीज ले ली, खाना 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 सारी आना खा लेंगे, क्या हो गया चप्पल खाओगे? तो M2 के आ गया भाई, और यहीं पे भाई की शॉप है, जस्ट सामने ही बताया था भाई, वशुति के नाम से है ये भाई शॉप, बिल्कुल मेन रोड पे है। गाड़ी कहाँ पे लगाए? दिल्ली में गाड़ी की दिक्कत बहुत हो जाए यार, पर पार्किंग वहीं मिल गई भाई, बिल्कुल मेन रोड पे ही है ना। चले चलो, और एक्साइटमेंट लेवल अपना बढ़ाओ। ओह बाहर लगड़ते ही तो जबरदस्त गर्मी लग रहा है यार, एक बता लॉक कर दो। तो गाइस ये रहा शोरूम वशुति के नाम से, आ जाओ भाई। भाई ठंडक तो पूरी हो रही है, क्या हाल है भाई साहब? और ठीक हो? मैं ठीक है भाई। तो भाई ने इतने फोन कर दिए, इतने फोन कर दिए, मैं कहा यार राखी से सेलिब्रेट कर लेने दो। और क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई। तो आज थोड़ा लेट सा तो हो गया मैं, कोई बात ना भाई, सारा सोफा रेडी रखा है। ओ भाई साहब जबरदस्त, किमी देख ली बात यार, लुक देखी जबरदस्त आ रही है, दिखा दो। 1 2 3। तो भाई ये वाला सोफा देखो भाई साहब, फोटो दिखाई थी सेम टू सेम बना दिया भाई, बिल्कुल सेम टू सेम वही है यार ये तो, और फिनिशिंग कितनी तगड़ी आ रही है। okay. पहले बैठ के देखने दो की सारा देखने नहीं तो लगे था टाइट टाइट सा, हां लुक तो बढ़िया है यार, बैठ के भी देखने में गाड़ी यार, पुराने सोफे से बहुत परेशान हो गए थे हम, इसलिए हम अपना शूट भी नहीं करते थे। हैं पुराने हम वहां पे शूट भी नहीं करते थे, सारे काम मेरे कमरे में हुए थे, जो भी मारा करता पहले मामो अपने कमरे में बैठा है, मैं तो गाड़ी की सीट तोड़ के उतर वाले ठीक है, गाड़ी की सीट तोड़ के उतर वाले इतने बढ़िया लगे घर तो वाले गाड़ी में रहे, कंफर्ट कैसा आ रहा है, कंफर्ट बताओ। तो भाई आपको भी इनका रेट बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले तुम सोफे देख लो एक बार,
मतलब हर एंगल से दिखाता हूँ आपको, मतलब हर आप जहाँ भी देखा ना फिनिशिंग इतनी तगड़ी आ रही है। अच्छा टेबल अभी नहीं आई है, टेबल ना आई है कहीं से भी देख लो, मतलब कोई धागा वागा भी नहीं है यार किधर लगट रहा हो, फिनिशिंग इतनी तगड़ी आ रही है भाई। यार आदमी ने बनाया कि मशीन आई थी है बनाया भाई, बिल्कुल फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए बनाया, फिनिशिंग और सारी चीजें जो क्वालिटी है ना, बहुत बहुत जबरदस्त क्वालिटी आ रही है गाइस। तो भाई ये करना है आड़े बैठो भाई नले के चलो इधर। तो भाई वैसे यहाँ पे बेड वगैरह भी हैं यार, कहीं क्या ये वाला बेड अपना चेंज करवा लूँ मैं रूम का, मेरे को अच्छा लगा यार ये वाला डिजाइन, देखियो गाइस कैसा लग रहा है। भाई ने बताई थी कि तुम जल्दी आ जाओ, नए सोफे कोई भी कस्टमर आओ आते ही उठा ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे गाइस कोई भी सामान नहीं रुकता भाई। अभी जो ये भी आपको ये बेड दिख रहे हैं ना, ये भी सोल्ड आउट हो चुके हैं, बस ये जाने वाले हैं गाइस यहाँ से। भाई जो आता है बना के ऑर्डर पे बनता है भाई, सारा ऑर्डर पे चला जाता है साथ, जैसे अब आपका बना हुआ तैयार रखा है। और ये देखो भाई डिजाइन कितने जबरदस्त जबरदस्त, ये लाइट वाले बेड भी हैं गाइस यहाँ पे। तो क्या क्या है भाई साहब अपने पास यहाँ पे? भाई बेड, सोफे, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, हर एक चीज हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है। अच्छा बातचीत हो गई थी, तो और भी जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको अगर बनवाने हो तो क्या दिन लग जाओगे भाई? हफ्ते के अंदर अंदर घर पे पहुंच जाएगा, किसी भी डिजाइन लेके आओ, ठीक है, सारा टोकन मनी डाल दो अपने सारा चीजें। तो गाइस आप ऑनलाइन ही ऑर्डर डालो, ऑनलाइन फ़ोटो दिखाओ, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपको आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप आ भी सकते हो यहाँ पे आके, देखो यूज़ करके देखो, क्वालिटी देखो, बैठो उठो कूदो नाचो। अरे हमारे घर में तो मच नीडेड चीज़ थी यार। तो फाइनली भाई ये सोफा सेटअप पैक हो गए हमारे घर में जा रहा है। तो भाई क्या मिनट बता दोगे घर पे? घर पर क्या मिनट बता दोगे? अलग जगह अलग जगह, इतना तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना रास्ते में? अभी नो एंट्री है, 11 बजे नो एंट्री खुल जाती है, संडे के तो नो एंट्री लगती है ना। मान लो कोई रास्ते में कोई डैमेज वैमेज तो नहीं होगा ना उसकी? भाई साहब हमारी को हमारी गारंटी रहती है, यहाँ पर वीडियो बना के जाएगा कि सारा आपका बिल्कुल ए टू जेड ओके, और वहाँ भी बिल्कुल वीडियो बनेगी, देख लो नया ले लेंगे ये। तो भाई मैं भाई का एड्रेस और फोन नंबर मैंशन कर दूंगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त क्वालिटी है यार, फिर तारे कमेंट आओगे कि इनका एड्रेस बताओ। और पूरे इंडिया में है पूरा कहीं भी, तो गाइस पैन इंडिया डिलीवरी है, आप कहीं भी बैठ के कहीं भी मंगवाओ, गिफ्ट करवाओ किसी को चाहे। अरे भाई एक सबसे मेन चीज़ बताओ, मार्केट रेट तो अपने रेट क्या पाओगे भाई? मार्केट रेट तो चीज़ भी अटका पाओगे, रेट भी अटका पाओगे भाई साहब, देख लियो बेइज्जती मत कराइयो मेरी। बिल्कुल भाई कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है भाई, ठीक है रेट। तो भाई मेरा तो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे मिल गया था हमने, जो अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे? अरे देखो भाई साहब आपको देखने को जबकि लेकर बैठे हुए फॉर्च्यून है सोफा सेट पे, अभी 20% ऑफ चल रहा है महाराजा चेयर पे 10, ड्रेसिंग टेबल पे 5, डबल बेड पे 10%, डाइनिंग टेबल पे 20%, डाइनिंग टेबल पे। तो ये भाई का इसमें एड्रेस भी है गाइस, आपको मेंशन भी कर दूंगा मैं। आप अपने फर्नीचर को अपग्रेड कर सकते हो भैया, सेकंड हैंड भी लेते हैं, सेकंड हैंड ले लेंगे भाई साहब। अच्छा कंडीशन देख के जाएगी आपको, कंडीशन के हिसाब से उसका कोई। अगर आप चाहते हो इसका रेट रिवील करूं मैं वीडियो में, तो कमेंट करके बताओ, एक नेक्स्ट वीडियो इनकी लेके आएंगे और रेट रिवील होगा तो निकल आ रहा है। तो भाई इनको पैक वैक करवा दो, ठीक है भाई, और आपको दिखा भी दूं, बिल्कुल मेन रोड पे है। चाहे अगर आपका मन नहीं मान रहा है ऑनलाइन लेने के लिए, तो फिजिकली यहाँ पे आओ देखो, है ना, बिल्कुल मेन रोड पे है, आपको दिखाता हूँ। देखो ये M2K वाली मार्केट है सामने, और ये मेन रोड, ये इस तरफ जा रहा रिंग रोड पे, और ये देखो M2K की मार्केट है पूरी, ये बिल्कुल मेन रोड पे है, ये गाड़ी पार्क कर रखी है मैंने, और लेंस कार्ट के बिल्कुल नीचे है
वर्षुति के नाम से। जल्दी पैक करवाओ भाई, पैक करवा कर। और आपके सामने पहले सोफा पहुंच जाऊंगा। अच्छा। तो वो इसको नहीं, का बीमार होगी, पता नहीं क्या हुआ। क्या हो गया? पेट में दर्द हो रहा है। क्यों? भूख लग रही है, सोफे खा ले। धक्के खा लिए ना, धक्के खा लिए ना, पेट नहीं भर रहा उनका। तो वही कहीं कह रही, कोल्ड कॉफी मंगवाई है और हमने रील्स वगैरह बना ली। तो भाई जो भी कमेंट करने वाला है कि प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हैं भाई, लेकिन क्वालिटी है गाइस, क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। क्यों भाई, आया मज़ा? मस्त देख। तो भाई इस भाइनों का ऐसा खेल, बच्चे कूद लो, बैठ लो, खड़े हो लो। दूसरे की खोली में घुसता नहीं तू, तेरा क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है, थोड़ा मोटा बुखार है, वो ज्यादा दिखने में है। इसकी हरकत देख लो यार, बीमार हो रहा है, पिछले 4-5 दिन कुछ खा नहीं रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, और हॉस्पिटल में आने के बावजूद भी नहीं चल रहा। चल यार सलमान ने करे, मेरे तेनु बोला यार, मेरे तेनु बोला तने स्लिप कटवा रखी है, घणिया अमीर बना है तू, इसके डायलॉग है ये। ये ब्लॉग अभी इसलिए हम बना रहे हैं ताकि आप भी इसको बोल लो कमेंट्स में, कुछ भी नहीं खा रहा भाई, कुछ भी अपनी देह खराब करने लग रहा है। चाल नहीं आ रही है, ये खड़े हो ये। तो भाई सभी शेख को लेके आए हॉस्पिटल के अंदर भाई, एक तो इमरजेंसी हो गई थी और उन्होंने पर्ची कटवा ली है डॉक्टर साहब ने, इसका दिक्कत यह हो रही है भाई, मतलब कुछ भी खा रहा है ना, वोमिटिंग हो रही है और वीकनेस आ रही है बहुत ज़्यादा, पूरा पीड़ा पड़ रहा है, दिमाग पूरे में दखवाई ले रहा है और दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई इसके। और डॉक्टर साहब ले आए भाई, देखिए पल्स देखिए भाई कितनी आऊँगी। डॉक्टर साहब तमीज से बात कर, डॉक्टर साहब आ गया के सामने। ये कुछ भी खाता है ना, इसके पेट में दिक्कत होती है, जैसे वोमिट आएंगी, ऐसा हो रहा है इसको। वोमिट आई तो नहीं, वो ये कितना डाउन चले गए हो, इसको दिक्कत वाक्य में है। बीपी है, कम है, नॉर्मल है, 130 80 ज़्यादा ही है, 130 आ रहा है भाई, ज़्यादा है बीपी, और 120 और हो है, 120 नॉर्मल ज़्यादा है। हाँ नीचे चढ़ ज़्यादा है, ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है। कितना फीवर है डॉक्टर इनको? 103 बुखार है भाई साहब, हर दिन लगता है कौन है तेरा, पीड़िया हो रहा है पक्का, 100% मन लग गए। इसके टेस्ट होएंगे काफी टाइम पहले, इसके चक्कर आ रहे हैं। चाल तू खड़ा हो ले, चाल है, अरे आराम आराम से कर ले यार, जब हड़ लौट जाए, अरे पेशेंट रूम ही हो, हड़ लौट तभी शेख का, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेट ऊपर पैक कर ले, दिक्कत तो नहीं हो रही है, बुखार हो रहा है यार। रोहित तो गलत रूम, गलत रूम में लिया यार, बुखार हो रहा है, देख लिया यार, इसकी ओपीडी बनवा रहे, एक बार चल डॉक्टर साहब देखना पड़ेगा, मेरा अभी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्टिंग ना हो रही भाई, इसका रियलिटी में हो रहा है, चिंता मत मानना है। अच्छा दिक्कत है इसको, पता तो चल जाए भाई, वो आग नहीं रही, ये खराब तो नहीं होगी है, 116 और 72 सही है, उन्हें नॉर्मल है। परेशान है,
इतना लापरवाह थी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। दरियापुर वाले अपनी दही ने कुछ ना मानते, डॉक्टर ने नो गई है इसका टाइफाइड पास के है जी से साहब तरो इतने सफेद पंजे हो रहे हैं सच्ची में पाव है कून नहीं है परसों तक कत्ती सफेद चमक पैर के बुखार बेशक हो जा पर गर्मी लग गया है। तो फाइनली गाइस कनिका और मैं घर पे आ गए हैं और अभिषेक को दवाई वगैरह दिलवा दी और देखते हैं भाई कब तक ठीक होएगा वो। तो आज का व्लॉग बस यही था, बाय टाटा। अरे भाई कमेंट में तुम भी उससे कह जो अपना ध्यान रखेगा, बिल्कुल भी नहीं रख रहा अपना ध्यान, वो बहुत केयरलेस हो रहा है। ओके बाय बाय टाटा लव यू ऑल।